हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी आफ्टरनून की रूटीन, जो कि मेरे सुबह 10 बजे से ही शुरू हो जाती है, या फिर यूं कहें कि जैसे ही मेरे दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं मेरी आफ्टरनून रूटीन शुरू हो जाती है। तो आफ्टरनून रूटीन के लिए सबसे पहले जो मैं करती हूँ वो ये कि अपने दिन का जो खाना है, जो मैं ऑलरेडी एक दिन पहले ही प्लान कर चुकी होती हूँ, धीरे धीरे सबकी तैयारी करना शुरू करती हूँ। तो शिवन्या की माँ के स्कूल जाने के बाद पूरे किचन को क्लीन करके नहा धोने के बाद में जो मेरा दोपहर का लंच होता है, मैं उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ। तो नहाने जाने से पहले ही मैं दाल को धोकर थोड़ी देर भिगा करके चली गई थी। इससे दाल अच्छे से फूल जाती है और झटपट बन करके तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बैठाती हूँ दाल, सिंपल दाल, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि नॉर्मली हम लोगों का लंच रूटीन क्या होता है और अनुमन डे टू डे लाइफ में हम किस तरीके का लंच करते हैं। तो बहुत ही साधारण लंच करते हैं। तो क्योंकि हम यूपी वाले हैं तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल बना करके बनने के लिए रख दी है। यूपी वाले घरों में अनुमन अरहर की ही दाल खाई जाती है। तो मैंने दाल बैठा दिया है और मेरा चावल धो करके मैंने थोड़ी देर रख दिया है, क्योंकि मैं चावल तुरंत धोते ही नहीं बनाती हूँ, कम से कम उसको 15-20 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देती हूँ। और तब तक मैं यहाँ पर ड्रमस्टिक काट करके तैयार कर लूंगी। जी हाँ, हम लोग ड्रमस्टिक एवरी डे बॉईल कर खाते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है और ये मैंने तब से शुरू किया है जब पिताजी को कोरोना हो गया था। और पिताजी मतलब बहुत वीक हो चुके थे, काफ़ी बीमार थे उन दिनों। तो डॉक्टर ने उनके डाइट प्लान में इसको इंक्लूड करने के लिए कहा था एंड इट वाज रियली गुड, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोगों ने पिताजी की डाइट की वजह से ही पिताजी को बहुत जल्दी रिकवरी हुई थी। तो उस समय से लेकर के अभी भी हम चाहे कोई भी सब्जी हो लेकिन हम ड्रमस्टिक्स को उबाल करके कम से कम 4 से 5 पीसेस ऑफ ड्रमस्टिक ज़रूर खाते हैं। हमारी फैमिली में सब लोग खाते हैं। तो मैंने रख दिया है ड्रमस्टिक उबलने के लिए। अब मैं इस पे ढक्कन लगा दूंगी। तो एक तरफ है ड्रमस्टिक, आगे रख दी गई है दाल। आइए अब झटपट सब्जी काट लेते हैं। तो मेरे 4 बर्नर वाला चूल्हा है और मैं इन 4 बर्नर को अटमोस्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं चारों पे कुछ ना कुछ बैठा देती हूँ और मेरा खाना झटपट बन करके तैयार हो जाता है। तो आज सब्जी के मेनू में है आलू परवल की भुजिया। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा इतना सारा प्याज मैंने क्यों ले लिया है। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि अपने फ्रिज में पूरे एक दिन का प्याज काट के रखती हूँ। जैसे कि अगर मैं अभी काटने बैठी हूँ तो मैं अभी के लिए एक प्याज रख लूँगी या 2 प्याज, और रात के खाने का भी प्याज मैं अभी ही काट कर रख लेती हूँ। अच्छा, ये कुछ मेरी मील प्लानिंग्स हैं जो मैं करके रखती हूँ, क्योंकि इससे मुझे खाना बनाने के लिए बहुत हासिल नहीं होता है। कुछ भी जब भी मन करता है, मेरे पास ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी फ्रिज में रहती हैं, तो मैं जस्ट निकालती हूँ और झटपट मेरा खाना बन करके तैयार हो जाता है। तो अगर खाना बनाना बहुत ज़्यादा आपको हेक्टिक लगता है तो कुछ चीज़ों की प्लानिंग अगर आप पहले से करके रखते हैं, जैसे कि मील प्लानिंग अगर आप पहले से, मेरे पास मेरे चैनल पर मील प्लानिंग का भी वीडियो है, तो अगर आप वर्किंग हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा वो वीडियो। तो बस यहाँ पर आलू परवल की भुजिया बननी है, तो फटाफट से परवल मैंने छिलके रख लिए हैं, आलू को छिलके रख लूँगी और एक तरफ बैठाऊँगी सब्जी और दूसरी तरफ बैठा दूँगी चावल, और मेरा खाना बन करके तैयार। मैं अनुमन कोशिश करती हूँ कि 10:30 से 11 के बीच में मेरा खाना बन करके तैयार हो जाए, क्योंकि फिर 11:30 बजे किमाया आती हैं स्कूल से, तो उस समय मेरा पूरा ध्यान जो होता है किमाया में ही होता है, क्योंकि अभी किमाया बहुत छोटी है। अपने आप वैसे वो काफ़ी चीज़ें अपने आप कर लेती है, लेकिन फिर भी थोड़ा होता है, बच्चा अगर बाहर से आया हो तो उसको दूध देना होता है, पानी एंड कपड़ा एंड ऑल। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा खाने वाला काम जो है वो ऑलमोस्ट डन हो जाए 11 बजे तक। तो सब्जी अपना बन रही है और यहाँ मैं बैठा रही हूँ चावल। तो इसमें तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चावल में जितना चावल है उसे दुगना पानी डाल करके मैंने बैठा दिया है। तो दाल मेरी बन चुकी है, सब्जी यहाँ बन रही है, पीछे मैंने ड्रमस्टिक रखे हुए हैं।
तो वो भी मेरे ऑलमोस्ट डन है, बस अब थोड़ी देर में मैं उसे बंद कर दूंगी। और बस तो यहाँ पर मेरा खाना अब बन करके रेडी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि हम अनुमन खाना बनाने के बाद जब किमाया आती है तो मैं और सौरभ थोड़ा सा कॉफ़ी लेते हैं। तो जब तक सौरभ गए हुए हैं किमाया को पिक करने के लिए, तब तक मैं यहाँ पे रात में मुझे चने की सब्ज़ी बनानी है, तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन अभी ही कर लेती हूँ। हेलो बाबू, तुल से आ गया तेचा था तुल बाबू, आप तो तुल तेचा था। आज पानी कम पिया, अच्छे त्यू आप पे पानी त्यू नहीं पिया, पानी पीना चाहिए ना आप तो। सॉरी मेरे बच्चों जैसी आवाज़ के लिए। अनुमन जब भी किमाया आती है, क्योंकि अभी किमाया बहुत छोटी है तो हमें उससे दूर रहने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है, तो वो जब भी घर पे आती है तो वो प्यारवश वैसी मेरी बोली हो जाती है। एनीवे, तो किमाया के अंदर ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो आने के बाद उसको पता है कि सॉक्स निकालना है, ड्रेस निकालना है, मुझे शूज़ कहाँ रखना है। फिर वो सीधा जाएगी, सॉक्स को वॉशिंग मशीन में डालेगी, दो वो अभी अपने कपड़े नहीं उतार पाती है, वो मुझे ही उतारना पड़ता है, बट उसको पता रहता है मुझे अपना बैग कहाँ रखना है, बॉटल कहाँ रखना है, सब कुछ। तो विच इज़ गुड एक्चुअली, ये सारी चीज़ें वो शिवन्या को देख देख के सीखी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरा हाथ था शिवन्या को सिखाने में था। जब आपके पास दो बच्चे होते हैं ना, तो आप हमेशा कोशिश करें कि बड़े बच्चे को अगर आपने अच्छे मैनर्स सिखाए हैं ना, तो छोटा बच्चा खुद ब खुद बड़े बच्चे को देख करके वो सारे मैनर्स सीख जाता है। तो मुझे जितनी भी मेहनत करनी थी मैंने शिवन्या पे की है, शिवन्या को देख देख के किमाया सारी चीज़ें सीख जाती है। और एक और बात, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, बच्चों को पानी पीना याद नहीं रहता है, तो आप बीइंग अ पेरेंट हमेशा मेक श्योर करें कि आपका बच्चा जो है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर का इंटेक ज़रूर रखे। तो हम लोग जब वो घर आती है तो घर पे तो पानी का ध्यान रखते ही हैं, लेकिन हमने उसके स्कूल में भी उसकी टीचर को बोल के रखा है कि आप मेक श्योर करें कि ये पूरा बॉटल खाली करें। तो ये एक चीज़ है जो हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं शिवन्या और किमाया पे। तो अभी वो पानी पी रही है, उसके बाद थोड़ा उसका ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे, उसको एक ग्लास दूध दूंगी। अभी बज रहा है 11:30 और हम लोग जब तक कॉफ़ी लेते हैं, किमाया को मैं अनड्रेस्ड करके फ्रेशन अप करा के उसको दूध दे करके बैठा देती हूँ। तो यहाँ कॉफ़ी तैयार हो रही है। और एक और काम करती हूँ मैं, कि मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो दाल का तड़का देने से पहले मैं थोड़ी सी दाल निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने ये दाल क्यों निकाली है वो मैं आने वाले अपने अगले वीडियो में भी आपको बताऊँगी, बट मैं यहाँ पे आपको एक हल्का सा क्लू दे देती हूँ। मैं अनुमन ब्रेकफास्ट जब बच्चों का बनाती हूँ तो मैं ये दाल और प्याज वगैरह मिला करके बच्चों के लिए दाल का पराठा बनाती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने दाल निकाल दिया है और जो बचे हुए दाल हैं उनके लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। बस ये तड़का तैयार करने के बाद मेरे लंच का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा और बस इसके बाद मैं और सौरभ जो है अपनी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। तो अनुमन इस समय सौरभ अपने काम पर ही होते हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही होती हैं, तो मैं उन्हें कप ये कॉफ़ी का कप दे देती हूँ और मैं एक कप कॉफ़ी लेकर के आराम से बैठती हूँ ड्राइंग रूम में, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ और फिर स्टार्ट करती हूँ अपनी एडिटिंग। ये मेरे दिन का वो टाइम होता है जिस समय मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, कुछ कंटेंट पे काम करना हो तो कंटेंट पे काम करती हूँ, अगर मेरी एडिटिंग बची हुई है तो फिर मैं इस समय अपनी एडिटिंग भी निपटाती हूँ। तो ये समय जो है ये मेरा थोड़ा मी टाइम होता है, मी टाइम तो क्या कहूँ, मेरे पर्सनल काम का टाइम होता है। और बस मेरी एडिटिंग डन हो रही है और साथ साथ मेरी मूवी भी चल रही है, और जब तक मेरी एडिटिंग कंप्लीट होती है कि माया भी मेरे बगल में बैठ करके अपना कुछ 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 कर रही होती है। और बस अब इसके बाद उठेंगे और फटाफट गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे और लंच करने चलेंगे।
तो बाकी खाना तो बना लेती हूँ, लेकिन रोटियाँ गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। तो फटाफट से 2-3 रोटी सेकूंगी, 2 सौरभ की, 1 मेरी। हमारी डाइट बहुत ज़्यादा कम है, तो बस इसी तरीके से गर्मा गर्म रोटी बना ली है और बाकी खाना तो बन करके रेडी है। आइए अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि अनुमन हमारा लंच कैसा होता है। बहुत ही सिंपल येट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। तो ये रहा हमारा लंच, अनुमन यही लंच हम खाते हैं। हो सकता है कि इसमें सब्जी बदल जाती हो, बट रेस्ट ऑफ द थिंग यही रहता है। 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, थोड़ी सी हरी सब्जी, उबले हुए ड्रमस्टिक, 1 रोटी और 1 आम का टुकड़ा। जी हाँ, ये जो पूरा प्लेट है ये फुल ऑफ प्रोटीन है, इसमें विटामिन्स भी हैं आपके, इसमें मिनरल्स भी हैं। तो इस तरीके का खाना आप रोज़ खाएं तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो उसके बाद खाना वाना खा के किचन वचन क्लीन करके, अब क्योंकि थोड़ी देर में शिवन्या के आने का टाइम हो जाएगा, तो मैं शिवन्या को आज क्या पहनना है वो पहले ही निकाल करके रख देती हूँ, ताकि वो स्कूल से आती है, अपने यूनिफॉर्म्स उतारती है, धोने डालती है, हाथ पैर धो के अपने कपड़े बदलती है, तब तक मैं उसका लंच भी रेडी कर देती हूँ। और अब क्योंकि खाना खा के मुझे आधा घंटा 40 मिनट हो चुका है, तो मैं खाने के बाद पक्का 1 कप ग्रीन टी पीती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा कि माया क्रैंकी थी, क्योंकि वो भी सुबह 6:30 बजे ही जग जाती है, 6:30 से 7 के बीच में, तो उस समय उसको नींद आती है, तो उसको समझ में नहीं आता कि उसको करना क्या है, तो वो अननेसेसरीली फस करती है बहुत ज़्यादा, तो हम समझ जाते हैं। तो अब उसको नींद आ रही थी तो मैंने कहा भाई ग्रीन टी बाद में पीते हैं, पहले बच्चे को सुला लेते हैं। तो बस इसको लेकर गई मैं कमरे में, कमरे में सारे पर्दे वर्दे लगा करके मैं इसको चुपचाप सुला देती हूँ। और ये कम से कम 2 से 2.5 घंटे सोती है, शिवन्या आकर के लंच वंच कर लेती है तब जा कर के किमाया उठती है। तो अभी शिबू के आने में अभी कुछ 1 घंटा बाकी है, वो 2:30 बजे के करीब आती है, तब तक मैं अपना ग्रीन टी लेकर के बैठती हूँ और मूवी देखती हूँ। सौरभ जाते हैं गेट तक शिवन्या को पिक करने के लिए, और बस अब उसकी बस आ ही गई है, तो अब एनी मोमेंट शिवन्या आ जाएंगी। तो यही रहती है मेरी अनुमन, मेरा जो डे होता है वो ऐसा ही होता है। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस आज के लिए यहीं तक, फिर आपसे मिलूंगी एक नए व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।